بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. मुहतरम हज़रीन, इससे पहले के दुरूस में जो आखिरी दो उसूल पढ़े गए कि अहलुस सुन्नाह वल जमाअ अकीदे इबादत और अपने मनहज में जिन उसूलों का लिहाज करते हैं उनमें एक तो ये था कि सबसे पहले तौहीद को पेश किया जाए दावत में, तरबियत में, ईमानियात में, और उसके बाद उसी से जुड़ा हुआ दूसरा उसूल ये था कि दावत व तबलीग में और अमल में उस चीज़ को मुकद्दम रखा जाए जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने मुकद्दम रखा, और तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता दावत दी जाए, सबसे अहम फिर उसके बाद सबसे अहम फिर उसके बाद सबसे अहम। इन दो उसूलों के बाद आप ये ध्यान में रखें कि जैसे हम इस बात को बहुत गलत कहते आए हैं कि कुछ लोग दीन की बास चीज़ों को लेकर दीन की बुनियादों को नज़रअंदाज करते हैं, तौहीद को गैर अहम करार देते हैं, तो ऐसे ही ये इम्कान है और बाज़ जगहों पर ये गलत फहमी या तआमुल, गलत तआमुल पाया जाता है अहलुल हदीस में या इन पहले के उसूलों को मानने वालों में कि तौहीद को अहमियत दे दी, बहुत सही किया, उसको मुकद्दम किया, ये भी दुरुस्त है, लेकिन इसके नतीजे में एक दूसरी कैफियत गलत चीज़ पैदा हो गई कि हमने तौहीद को ठीक कर लिया, अकीदे को ठीक कर लिया, तो इसका ये मतलब निकाल लिया कि दूसरे अहकाम व मसाइल की अहमियत हमारी नज़र में नहीं रहेगी। हमारे ये कुछ लोगों का अमल में इस तरह तआमुल होता है, ये कोताही है। हाँ, और बास लोगों के यहाँ ऐसा है कि दीन की किसी चीज़ को, तौहीद के किसी जुज़ को उन्होंने अहम मान लिया कि तागूत की इताअत नहीं करनी है, हुकूमत कायम करनी है, फलां और फलां, किसी ने कहा तज़किया और इस पर अहमियत को, इसको अहमियत देना है, किसी ने कहा फ़ज़ाइल को अहमियत देना है, दीन की अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करनी है, लोगों में घूम के जो है इस्लाह करनी है, जो मस्जिद में नहीं आ रहे हैं उनको मस्जिद तक पहुंचा देना है। ये एक अच्छी चीज़ को ले लिया, कुछ अच्छी चीज़ों को ले लिया, लेकिन बकिया चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। आज मुसलमानों की एक बहुत बड़ी खामी, खला और कुरान और हदीस के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन के जनाब में जिसको हम संगीन जुर्म कहेंगे वो ये है कि अगर हम दीन को मान भी रहे हैं, उस पर अमल कर भी रहे हैं, तो कुछ चीज़ों को इख्तियार कर लिया जो हमारी समझ में आ गया कि ये करना है, और बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। नमाज बहुत अहम चीज़ है, इस पर पूरा ज़ोर दे दिया, नमाज पर ज़ोर देना भी चाहिए, लेकिन नमाज पर ज़ोर देने का ये मतलब नहीं है कि आपने जब नमाज को इख्तियार कर लिया तो मियाँ बीवी वालिदैन के हुकूक को आपने नज़रअंदाज कर दिया, हलाल हराम खाने पीने में उसकी तमीज़ ख़त्म कर दी, सूदी लेन देन कर रहे हैं, हाँ किसी का माल हड़प कर ले रहे हैं, किसी को जो है गाली गलौज कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, और ये तसव्वुर कर रहे हैं कि हमने नमाज़ पढ़ ली, फ़र्ज़ के बाद कुछ नफिल पढ़ लेंगे, कुछ सुबह शाम के जिक्र अस्कार कर लेंगे, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को निपटा देगा, माफ़ कर देगा। हाँ सही तो सही, इसमें बहुत सारी गलत रिवायतें और फजीलतें बयान की कि आपने फ़लाँ अमल कर लिया तो उससे इतने इतने साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अब एक ऐसा आदमी जो कुरान हदीस को ठीक से समझता नहीं है, यानी हम उसको कह ले नादान है, जाहिल ना कहते हुए मैं कह रहा हूँ कि अगर वो दीनी शऊर नहीं रखता, उसूल नहीं जानता, तो उसके दिमाग में ये बात आ सकती है, शैतान डाल सकता है, और ऐसा होता है कि जब इतने गुनाह माफ़ हो जाते हैं तो मेरी उम्र भी, तो उम्र तो जब अल्लाह तबारक व तआला जो है 200 साल के गुनाह माफ़ कर रहा है, अभी तो मेरी 25-30 साल उम्र हुई है। अल्यौम खमरुन व गदन अमरुन, ये अरबी का एक मुहावरा है, आज नशा कर लिया जाए, आज मस्ती कर ली जाए, कल मामला देखा जाएगा। हाँ अभी 99 चूहे खाएं फिर हज करने जाएंगे, ये सिर्फ मुहावरे और मजाक के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोगों का मिजाज बना होता है कि हमने जब
100 साल का गुना अल्लाह माफ करेगा, हमने तो अभी 30 साल का किया है, थोड़ा और कर लें। तलबी से इबलीस का मैंने हवाला दिया था ना, उसमें इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं। हाँ, कहते हैं कि एक ऐसे ही साहब थे जो लोगों को नमाज रोज़े की तलकीन किया करते थे, और उसके बाद जो है जहाँ जाते कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, ये गलत काम क्यों करते हो, तो कहते हैं क्या करें साहब, हम तो चाहते हैं कि नेक बन जाएं, लेकिन शैतान बहका देता है। तो उनका कि ये शैतान सबको बहकाता है, हाँ, सारे लोगों को रास्ते से हटाता है, अगर मुझे कहीं शैतान मिल जाए तो उसी पर मेहनत कर लूँ और उसको सुधार दूँ। तो एक रोज़ ये रास्ते से गुजर रहे थे, पीछे से आवाज़ आई, अस्सलाम वालेकुम चाचा। पलट के देखा, कहा मैंने आपको पहचाना नहीं। जवाब दिया, कहा आप कौन हैं? कहा मैंने सुना है कि आप मुझसे मुलाकात के का शौक़ रखते हैं, ख्वाहिशमंद हैं, इसलिए मैं खुद चला आया। कहा कौन हैं आप? कहा मैं शैतान, आपसे मिलना चाहता था। अरे आप ही हैं, आप क्यों इतना बुरा काम करते हैं, लोगों को गलत बातों की तरफ ले जाते हैं, बहकाते हैं, फुसलाते हैं वगैरह वगैरह, दावत उसको खूब तकरीर की। तो कहा कि हम मैं चाहता हूँ कि आप भी सुधर जाओ, खुद ठीक हो जाओ, दूसरों को भी ना बहकाओ। कहा चाचा आपकी बात बहुत अच्छी है, आप मेरा बड़ा भला चाहते हैं, वाकई मैं आपसे बहुत खुश हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, इंशाल्लाह मैं इस्लाह कर लूँगा अपनी, चलता हूँ। सलाम अलैकुम बोल के गया, 4-6 कदम जाके वापस लौटा। उसने कहा कि अरे आपने जो मुझे बताया बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके मुतालिक मेरे पास एक खबर थी, सोचा कि आपको बताता चलूं। कहा वो क्या? कहा मैं इससे पहले मरतबा आसमानों में सैर कर रहा था तो आपके बारे में फरिश्ते बात कर रहे थे। बोले अच्छा मेरे बारे में? कहा हाँ। कहा कह रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके बारे में ये बताया है कि अभी आपकी 50 साल और उम्र बाकी है, अभी तो 50 साल आपको और जीना है, लंबी उम्र बाकी है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, चला गया। अब चाचा सोचने लगे कि 50 साल बाकी है, अभी तो मैं ऐसे ही बड़ी अच्छी खासी उम्र का हिस्सा गुजार चुका हूँ, और 50 साल में अगर मैं 40 साल भी मौज मस्ती की ज़िंदगी गुजार लूँ तो 10 साल तौबा इस्तिग़फ़ार के लिए बहुत है। लिहाजा उस दिन से उन्होंने ट्रैक चेंज कर दिया, हाँ, शैतान को सुधारने गए थे, खुद ही ट्रैक चेंज कर दिया। तो ऐसा मामला हमारे यहाँ बहुत नज़र आता है, और ये बात याद रखिए, ये कोई सिर्फ हंसी के लिए नहीं है, अल्लामा इब्ने तैमिया, अल्लामा इब्ने कय्यिम ने लिखा है कि शैतान के बहकाने के स्टेप्स हैं। अगर एक आदमी को वो पहले, सबसे पहले चाहते हैं शयातीन कि आपको हमको कुफ्र, शिर्क और अल्लाह और उसके रसूल की दुश्मनी में मुब्तला करे, फर्स्ट स्टेप, पहली तरजीह यही होती है कि शिर्क करें, कुफ्र करें, अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी करें, शिर्क अकबर, कुफ्र अकबर, क्योंकि दीन तबाह हो गया और इस पर आदमी मर गया, कभी जहन्नम से नहीं निकलेगा। अब अगर शैतान जिस पर मेहनत कर रहा है उसके बारे में इससे नामायूस हो गया कि वो शिर्क नहीं कर रहा है, कुफ्र नहीं कर रहा है, ये जो मैं बयान कर रहा हूँ अल्लामा इब्ने तैमिया, अल्लामा इब्ने कय्यिम ने लिखा है मौईज़तैन की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किया है, अपनी तरफ से नहीं, अगर वो शिर्क और कुफ्र में नाकाम हो गया मुब्तला करने के लिए, तो सेकंड स्टेप होता है कि बिदआत में मुब्तला करें। क्यों? इसलिए कि बिदत जो होती है वो छोटा मोटा गुनाह नहीं है, शिर्क के बाद सबसे बड़ा है बिदत। आदमी उस चीज़ को दीन समझता है जो दीन है ही नहीं, जो अल्लाह ने, रसूल ने बताया ही नहीं। आज हमारे यहाँ कितने लोग दीन पे अमल कर रहे हैं, जिस चीज़ को गलत समझ रहे हैं कि गैर दीन के, एक आदमी ज़िना करता है, एक आदमी सूदखोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है, किसी का माल हड़प कर रहा है, ऐसा करने के बावजूद उसे इस बात का एहसास होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, और इस एहसास, जब तक ये एहसास बाकी है, ज़मीर मरा नहीं, मुर्दा नहीं हुआ, उस वक्त तक ये उम्मीद होती है कि आदमी का ये एहसास उसे तौबा इस्तिग़फ़ार पर उभारेगा, उनको सुधार देगा, कल वो शर्मिंदा होकर अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, मामलात को साफ़ करने की कोशिश करेगा। ये उस वक्त इम्कान है जब गुनाह को गुनाह समझे आदमी, जब गुनाह को नेकी समझने लगे तो तौबा करेगा। एक आदमी जो बीमार है कहे कि मैं बीमार हूँ ही नहीं, तो वो इलाज करने जाएगा क्या, दवा खाएगा क्या, नहीं खाएगा। तो ऐसे ही बिदती होता है, बिदती अपनी बिदत को गुनाह नहीं समझता, नेकी समझता है, दीन समझता है, और उसको करके समझता है कि मैंने अजर व सवाब का काम कर लिया। 15 शाबान के दिन मेहनत कर ली, जो बिदती है रवाफिस की बनाई हुई रात है, वहाँ मेहनत कर ली, लैलतुल कद्र में अब मेहनत की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरे साल का गुनाह तो मैंने ये माफ़ करा लिया ना। झूठी हदीस, राफजियों की बनाई हुई रात, बिदत है। अब सड़ा खाना खा के पेट भर लिया तो अच्छा खाना खाने की ख्वाहिश ही नहीं रही,
ये बिदत है, ये सुन्नत है, ये जो सड़ा खाना और अच्छा खाना मैं कह रहा हूँ ये भी अल्लामा इब्न तैमिया ने मिसाल दी है कि आदमी का जो जज्बा खैर है, नेकी का जज्बा है, उसने गलत काम के ज़रिए से अपना पेट भर लिया, तो अब ऐसा ही है कि ख़राब खाना खा के पेट भर लिया तो अच्छा खाना खाने की ख्वाहिश नहीं बची, और अगर मज़ीद खाएगा तो और नुकसान होगा। तो जो बिदत से पेट भर लेता है उसको सुन्नत की रग़बत नहीं रहती, जो मज़ारात के चक्कर लगाता है वो हज बैतुल्लाह और उम्रे का शौक़ उतना नहीं रखता जो दूसरे रखते हैं, जो मौसीकी यानी शैतान का कुरान सुनने का आदि हो जाता है उसे रहमान का कुरान सुनने में मज़ा नहीं आता, जो बुराइयों का खुगर हो जाता है, गंदे मकामात पर मजलिसों में बैठने का ख्वाहां होता है, उसे उलमा की मजलिस, दुरूस, कुरान और मस्जिद अच्छी नहीं लगती सुकून की जगह। ये एक नेचुरल मिजाज है, वे है। तो ऐसे ही बिदत का खुगर सुन्नत की तरफ नहीं आता, और बिदत करने वाला अल्लाह की मुखालफत करता है, रसूल की मुखालफत करता है, दीन को बिगाड़ता है, बुराई को नेकी मानता है और नेकी को बुराई मानता है। हम जब उससे कहेंगे कि ये बिदत है, हम जब उससे कहेंगे कि कुरान और हदीस पर चलो, तो उसको बुरा लगता है। अभी एक जाहिल की क्लिप सुनी मैंने, देखी हल्की सी, कि कयामत के दिन दो गुरु होंगे, एक वो रहेगा कि हम अल्लाह और उसके रसूल को मानते थे, हाँ उनकी नहीं चलेगी, एक वो होंगे जो अल्लाह और रसूल को मानने के साथ साथ बुजुर्गान दीन को मानते थे, उनका दामन पकड़ेगा, कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी का, कोई ख्वाजा का, कोई फलां का, कोई फलां का, इनका बेड़ा पार होगा। कितनी हैरत की बात है, कितना मैं कहता हूं कि जहालत का कितना आला माहौल है ये, कि जिसको गलत कहना चाहिए, हाँ जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में हर शख्स अपने नबी के साथ आएगा और नबियों के साथ ही बेड़ा पार होगा, और दूसरों के साथ अगर कोई आया तो क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी वगैरह कोई अपनी नबूवत रखते हैं, उनकी अपनी जमात, वो खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में रहेंगे इंशाअल्लाह, तो वो तो खुद नबी के मुत्तबे होकर उन्होंने आला मकाम पाया। कैसे लोग कुरान हदीस के नाम मिलता, बरकत मिलती, वो वक्त आपका यूज होता, क्योंकि जो वक्त जा रहा है वापस नहीं आएगा। आप उतने देर में सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर ही कह देते तो कितना फायदा हो जाता, जितनी देर में आप अपने दोस्त से मजाक कर रहे हैं। फिर ये भी एक स्टेप है, अगर यहां भी तो अगला एक स्टेप ये है, ये कहा कि और ही खतरनाक है, और यही मैं बताने के लिए पूरा बयान किया हूं। कहते हैं कि शैतान बाज़ औक़ात नेकियों का हुक्म देता है, अटेंशन तवज्जो दीजिए, शैतान कहता है कि ये अच्छा काम करो। मुस्लिम शरीफ की एक लंबी हदीस है, कुर्बे कयामत में लोग जब दीन से बिल्कुल दूर हो जाएंगे तो शैतान आके कहेगा कि अरे ये भी अच्छी बात थोड़ी है कि आप इस तरह पूरा भुला दी दो दीन को, हाँ ये तो अच्छी बात कह रहा है, तो वो आएगा अच्छी बातें बताएगा। लेकिन जब वो अच्छी बात बताएगा और आदमी उस पर भरोसा करने लगेगा, तो कई अच्छी बातों के करने कराने के बाद वो एक गुनाह एक बुराई ऐसी करवाएगा जिससे सारे पर पानी फिर जाए और अल्लाह और उसके रसूल की दुश्मनी हो जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, ये बहुत ही नाजुक संगीन और काबिले तवज्जो मरहला है, आखिरी वाला स्टेप। आज हमारे यहाँ इसको इस तनाजुर में मैंने जो बयान किए, दिमाग में रखते हुए सोचिए कि बहुत से लोग बहुत सी नेकियाँ कर रहे हैं, जमाते हैं, तंजीमें हैं, वो जब आपसे बयान करेंगे दिखाएंगे, आप खुद भी कहते हैं अरे उनके यहाँ अच्छाइयाँ भी तो है ना। किसी बिदती का जब हम रद्द करते हैं तो कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं,
आजकल पता नहीं क्या नौजवानों में ट्रेंड चला है, जहां जाओ और जब जाओ यहां से यहां भी सवालों का उठ के जाए तो आधे किलोमीटर के बाद भी सवाल होगा। डॉक्टर असरार के बारे में आप क्या कहते हैं? डॉक्टर असरार के बारे में मुझे कहने की जरूरत क्यों है? कौन है? उन पर कुरान नाजिल हुआ, हदीस नाजिल हुई, बहुत अच्छा दर्स देते हैं, तो अच्छा जो देता है वो सच्चा भी होता है, आपके पास इसका मियार है? क्यों उनके पीछे पड़े हुए? एक एक शख्सियत को आप क्यों खंगाल रहे हैं? अच्छा देते हैं। आप सिर्फ इतना पता कीजिए उलमाए कराम से कि उनके यहां अगर इन्हराफ है मनहज का, अकीदे का, छोड़ दीजिए। अगर आप ये स्टेप लेके बहस कर रहे हैं अपने उलमा से कि उनकी कुछ चीजें अच्छी है, तकरीर अच्छी है, तो मुझे बताएं कि दुनिया के कौन सा मजहब, कौन सा मसलक ऐसा है जहां अच्छे लोग, दानिश्वर, अच्छी तकरीर करने वाले नहीं है, जहीन लोग नहीं है? कोई एक मजहब बताइए, कोई एक मसलक बताइए जहां ऐसा नहीं है। अगर यही मेयार है कि उनके अंदर कुछ अच्छाइयां भी हैं लिहाजा उनको सुना जाए, बोला जाए, तो सबको सुनिए, कोई नहीं बचेगा। अच्छाइयां हर इंसान को अल्लाह ने दी है। और अल्लामा इब्ने तैमिया की एक बात इस मरहले में मैं हमेशा बोलता हूँ, याद कर कहता हूँ, याद रखने वाली है। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा कि अक्सर वो जो कुरान की आयत है ना, वला तलबिसुल हक बिल बातिल व तक्तुमुल हक व अंतुम तालमून, ये कुरान की आयत है सूरह बकरा की। क्या यहूदियों से कहा कि हक को बातिल के साथ गड़बड़ मत करो, मिलाओ मत, कि तुम हक को छुपाओ जानते बूझते, हक को छुपा के बातिल को पेश करो और हक और बातिल को मिला दो। तो इस तनाजुर में अल्लामा इब्ने तैमिया ने एक बड़ी प्यारी बात कही इसी आयत की रोशनी में कि दुनिया में कोई भी शख्स जो बातिल पेश करता है, गलत चीज की दावत देता है, ये बहुत अहम बातें हैं जहन में रखने वाली, आपको बहुत जगह ठोकर खाने से, गिरने से बचाने वाली हैं अगर आपने इसको सामने रखा। तौफीक देने वाला अल्लाह। तो आप वो कहते हैं कि दुनिया में कितने भी बातिल कोई पैदा करे, बातिल को उस वक्त तक रिवाज नहीं मिल सकता, लोगों में फैल नहीं सकता जब तक कि उसको हक का कांधा ना मिले। ये अल्फाज मेरे बाद अल्लामा इब्ने तैमिया के, हक को मिलाए नहीं जब तक, तब तक बातिल को फरोग नहीं मिलता। मतलब क्या हुआ कि एक आदमी अगर गलत बात लोगों में फैलाना चाह रहा है, गलत को सही बताना चाह रहा है, तो उसे हक का कुछ ना कुछ सहारा मिलेगा, तभी वो उसकी बात फैलती है। यानी दूसरे लफ्जों में कि वो कुछ अच्छी और सही बातें जब कहेगा, तभी उसकी गलत बातों को भी लोग कबूल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। सिर्फ गलत गलत को दुनिया में कोई नहीं मानेगा, और सिर्फ गलत गलत दुनिया में कोई नहीं पेश करता। लिहाजा आप ये मेयार छोड़ दीजिए कि उनके यहाँ तो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। अल्लामा अब्दुल्ला बिन जुबैर हुमैदी, इमाम बुखारी के उस्ताद, इमाम अहमद बिन हम्बल और दूसरे सलफ, इस सिलसिले में उनके अकवाल पढ़िए तो ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ लोग दीन जानते ही नहीं हैं। हाँ, इमाम हुमैदी कहते हैं कि अगर मेरे सामने कुफार का मामला हो और बिदअतियों का, तो मैं मानूंगा कि हमारा ज़्यादा बड़ा दुश्मन बिदअती है। क्यों? उन्होंने जो वजह भी बताई, ऐसे ही नहीं कहा, ये नहीं कि बस ऐसे ही नफरत है, कहा कि अगर सोचिए कि अगर काफिर की हुकूमत ताकत आ जाए, हाँ, तो काफिर हमारे दीन को डायरेक्ट चेंज नहीं करेगा, बदलेगा नहीं, दीन पर हमला नहीं करेगा, और अगर करेगा तो अवाम, उलमा तो उलमा, अवाम भी फौरन चौकन्ना हो जाएंगे कि ये हमारे दीन में मुदाखलत कर रहे हैं, तलाक के सिलसिले में कानून बना रहे हैं, गलत है, उनका कानून बनाना गलत है, ये डायरेक्ट दीन पे, तो यहाँ चौकन्ना कोई धोखा नहीं खाएगा। लेकिन अगर बिदती की हुकूमत आई, ताकत आई, तो वो बिदत को दीन के नाम पर फैलाएगा और आम इंसान, जाहिल इंसान, नादान लोग उसके फरेब में आ जाएंगे कि एक मुसलमान हाकिम है, वो हमको दीन की बात बचा रहा है, तो गलत क्या है? तो बिदतों को देखिए हिंदुस्तान में, इसको इस बात का असर देखिए कि आज बहुत से गैर मुस्लिम के रजवाड़े, महाराजे, नवाब, चूंकि वो लोग ताजिया बनाते थे तो उसको दीन समझते हैं, मुहर्रम की वो चीज़ दीन समझते हैं जो बिदतियों ने, रवाफिज ने और बरेलियों ने इख्तियार की, पुख्ता कबर को, मज़ारात को वो दीन समझते हैं। टीवी चैनल पे अगर किसी को इस्लाम की तशरीह बताना है तो मस्जिद से ज़्यादा मज़ार बताते हैं, वो समझते हैं ये इस्लाम है। 15 शाबान को गैर मुस्लिम त्यौहार समझता है, जैसे गैर मुस्लिम समझ रहा है तो वो बहुत से लोग कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? बिदतों के फैलने की एक बड़ी वजह है मुस्लिम बादशाहों का बिदात के सिलसिले में ताउन करना, सरपरस्ती करना, ये एक बड़ी वजह है फैलने की। बात थोड़ी मेरी फैल गई, लेकिन बहुत बहुत अहम है कि हम अगर इस तनाजुर में मुताला करें, थोड़ी सी अपनी अक्ल शऊर को इस्तेमाल करके थोड़ा सा गौर करें,
तो साफ नज़र आता है कि इन उसूलों को मुसलमानों ने कितनी शिद्दत से नज़रअंदाज किया, दीन को कुछ चीज़ों को पकड़ लिया, कुछ चीज़ों को गैर अहम समझा, और उस जिस चीज़ को गैर अहम समझा वहाँ से ऐसी गुमराही अमल में, अकीदे में, ज़बान में आ गई जिसने आप जो नेकियाँ करते हैं ना उसको भी, उसका भी तिया पाशा कर दिया, ख़त्म कर दिया, हाँ, और आपको एहसास नहीं हुआ। जैसे अभी एक हम बात कहते हैं बिदअतियों और मुशरिकीन के बारे में कि बहुत नमाज रोज़ा जिस रोजगार कर रहे हैं, शिर्क अकबर के सारी नेकियाँ ज़ाय। अब वो लोग जो तौहीद पे हैं, अहले हदीस हैं, तौहीद पर हैं, एक और हदीस है बुखारी की कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन्ना शैतान कद आयसा अय्याबुदहुल मुसल्लून फी जज़ीरतिल अरब। शैतान इस बात से मायूस हो गया है कि जज़ीरा अरब में मुसल्ली हजरात यानी नमाज मोमिनीन उसकी परस्तिश करेंगे, शिर्क करेंगे, तो अब वो क्या करेगा? वलाकिन तहरीशा फी मा बैनकुम, वो तुम्हारे दरमियान तनाव और कशमकश पैदा करेगा, झगड़ा पैदा करेगा। तौहीद वालों का आज मुताला कीजिए, आप जहाँ भी हैं, आपके शहर में, आपके मुल्क में, आपकी रियासत में, बल्कि मैं कहता हूँ आलम इस्लाम की सतह पर, इल्ला माशाअल्लाह कुछ जगहों का शायद इस्तेमाल, झगड़े बहुत मिलेंगे, बात बात में इख्तलाफ, बात बात में इख्तलाफ, और इख्तलाफ होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं अल्लामा और काबिल कि सुन्नत को ऐसा पकड़ेंगे कि चार फर्ज उस पर कुर्बान कर देंगे, ये हक है, और उस लड़ाई में इतना डटे रहेंगे कि एक सुन्नत को पकड़ने में कई फर्ज को कुर्बान कर देंगे। इत्तेहाद इत्तेफाक फर्ज है, उसको उछल डालेंगे। हाँ, हज़रत उस्मान बिन अफ्फान के पीछे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने नमाज पढ़ी, कहा कि अरफा में हज की भी सुन्नत यह है कि दो रकअत पढ़ी जाए। उनसे बहस की हज़रत उस्मान से, हज़रत उस्मान ने कहा कि मैं अपने आप को मुकीम समझता हूँ इसलिए चार पढ़ूंगा ज़ुहर असर, तो कहा यहाँ सुन्नत यह है कि दो पढ़ी जाए, बहस की। हज़रत उस्मान ने कहा नहीं, मुतमईन नहीं हुए, दोनों सहाबी है रसूल, दोनों आला मकाम के, हज़रत उस्मान का दर्जा बहुत ऊँचा और खलीफा है वक्त के। उसके बाद नमाज पढ़ाई जमात से, चार रकअत हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने उनके पीछे चार पढ़ी। आज का अहले हदीस कभी कभी नहीं पढ़ता, मानता ही नहीं, हते उस्मान गनी की धज्जियां उड़ा देता और लोगों में जाके कहता मैं तो माना ही नहीं, फखर करता इस गलत काम पर। हते अब्दुल्लाह बिन मसूद से पूछा लोगों ने कि क्या आप तो कह रहे थे कि दो रकअत सुन्नत है और चार पढ़ ली? कहा अब भी मैं मानता हूं कि सुन्नत रसूल वही है, लेकिन अल्लाह के रसूल का यह हुक्म है कि जमात से जुड़े रहो, समुतात करो। वल खिलाफ शर, उन्होंने इतना जुमला कहा कि इख्तिलाफ शर है, ये बुराई है। अब देखिए कि सुन्नत क्या, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने सुन्नत का मकाम नहीं जाना, जाना, लेकिन फर्ज का मकाम उससे ऊंचा है, इख्तिलाफ उससे ज्यादा बुरा है, उससे बचा जाए। ये शऊर जो मैं हजरत एक सहाबी के एक अमल से, एक मिसाल से आपको समझाना चाह रहा हूँ, आज आपको नदारत मिलेगा कहीं नहीं है, बड़े बड़े जहीन हैं, दानिश्वर हैं, बहुत चालाक, ये शऊर नहीं है। यहाँ शैतान का फंदा इख्तियार कर रखा है, और ये जो उसूल हमारे सामने है इसको उन्होंने समझा नहीं है। उसूल क्या है कि अहले सुन्ना वल जमात दीन के तमाम उमूर की ताज़ीम करते हैं, हर चीज़ को अनजिलुन नासा मनाजिलहुम जैसे हदीस है कि लोगों को उनके मकाम पर रखो, इसी तरह हर चीज़ को उसकी जगह रखना चाहिए। मशीन में जिस पुर्जे को जहाँ रखा जाता है वहीं रखेंगे तभी मशीन ठीक ठाक चलेगी, जगह बदल दी तो नहीं चलेगी। तो इसी तरह अहले सुन्नत वल जमात तमाम उमूर की ताज़ीम करते हैं। अब उसमें ये नहीं कहते कि भाई गाड़ी का इंजन बहुत अच्छा है तो पहिए की कोई औकात नहीं है, इंजन 5 लाख का है पहिया सिर्फ 2000 का है, 5000 का है तो इसकी कोई हैसियत नहीं, पहिया निकाल के फेंक भी देंगे तो चलेगा, पहिया निकाल दे तो इंजन बेकार है, चलेगी नहीं गाड़ी। तो हर चीज़ की अहमियत है दीन में, ये कहना चाह रहे हैं, सारे उमूर की ताज़ीम करते हैं। चुनांचे ये हस्ब इस्तेताअत उन तमाम उमूर दीन की दावत देते हैं जिनकी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी। जो जो अल्लाह के रसूल ने बताया सबको मानते हैं, सब पेश करते हैं, किसी को गैर अहम नहीं समझते। इस सिलसिले में जो दलीलें दी वक्त पहले ही से काफ़ी हुआ, मैं तेज़ी से 2-3 दलीलों को पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला का फरमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। ऐ ईमान वालो, हाँ, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, आधे अधूरे नहीं, कुछ चीज़ों को लेके कुछ चीज़ें ना छोड़ दो, हाँ, और शैतान के कदमों के पीछे मत चलो, उसके नक्शे कदम पर ना चलो, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान के पीछे चलोगे
तो वो अगर बात दीन पे अमल करोगे बास्केट से हटा देगा। अल्लामा इब्ने कसीर ने इस आयत की तफसीर करते हुए कहा है कि अल्लाह ताला अपने ऊपर ईमान लाने वालों और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वालों से इरशाद फरमाता है कि वो कुल अहकाम को बजा लाएँ, शरीयत के तमाम अहकाम को बजा लाएँ, कुल ममनुआत से बच जाएँ, जिन जिन चीज़ों से अल्लाह और रसूल ने मना किया उन तमाम चीज़ों से बच जाएँ, और हस्बे इस्तेताअत कामिल शरीयत पर अमल करें, जितनी आपको ताकत है उस ताकत के मुताबिक आपको शरीयत पे अमल, जिस चीज़ में आपकी ताकत नहीं है अल्लाह उसके बारे में नहीं पकड़ेगा। इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह ने कहा कि यहाँ मुराद यह है कि तुम तमाम तरह के नेक आमाल को अंजाम दें। इरशाद बारी ताला है, ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़्वल क़ुलूब, और जो अल्लाह के नाम की चीज़ों की ताज़ीम करता है, शाइर शियार को कहते हैं, शियार ऐसी चीज़ को कहते हैं जो अलामत होती है, आप उस चीज़ को इख्तियार करें तो दूसरों से आप अलग हो जाएं। जैसे हमारे यहाँ सरदार या सिख हैं, उनकी पगड़ी और दाढ़ी एक मखसूस किस्म की होती है, वो देखते ही कोई भी जान जाता है कि ये फला फला है, तो गोया ये उनका शियार हुआ। मुसलमानों की दाढ़ी, मुसलमानों की टोपी, हमारे यहाँ शियार बनी हुई है, टोपी शियार नहीं है लेकिन यहाँ बन गई है, अलामत सी बन गई है। हाँ, दाढ़ी को शियार कहा गया है कुरान हदीस से। अब जो दाढ़ी मुसलमानों की है, मूंछ काटना, दाढ़ी छोड़ना, ये मुसलमानों की पहचान है। अब अगर कोई शख्स इसे इख्तियार करता है तो ये उसकी पहचान बन जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के शायर यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों की क्या है को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है, जो अल्लाह के नाम की तरफ मंसूब है यानी उसके दीन का हिस्सा है, तो जो अल्लाह के नाम की चीज़ों की तआज़ीम करता है तो यकीनन ये दिलों के तक़वे में से है, यानी ये अल्लाह के डर का हिस्सा है, तक़वे का हिस्सा है, दिल के ईमान का हिस्सा है। मिसाल के तौर पे ये तनाजुर में जो कहा गया है हज और कुर्बानी के, अगर कुर्बानी का जानवर है अल्लाह के नाम पे आप कुर्बानी को ज़बह करना चाहते हैं तो वो अल्लाह ताला के नाम की तरफ मंसूब हो गई, उसकी ताज़ीम करना चाहिए, इज़्ज़त और एहतराम। अल्लाह ताला का एक इरशाद है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जो वाक़िया इफ़्क़ है, उस सिलसिले में जो आयतें नाजिल हुई आपकी बराअत जाहिर करते हुए कि हज़रत आयशा पर इल्ज़ाम लगा, झूठा इल्ज़ाम था, और लोगों ने सुनकर एक दूसरे को बयान करना शुरू कर दिया। आजकल हमारा सोशल मीडिया ये काम बहुत तेज़ी से करता है, और मुसलमान भी झूठी हदीस हो, झूठी खबर हो, तेज़ी से लोग फैलाते हैं। हाँ, ये कुरान की आयत इस रोशनी में उसको देखा जाए, और ख़ास तौर से अगर इसका ताल्लुक़ किसी मुसलमान की इज़्ज़त से हो, किसी इंसान या शरीफ आदमी की इज़्ज़त से हो, और आप उसकी बेइज्जती करने वाला पोस्ट पढ़ रहे हैं या फैला रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया इस तलक़ौनहु बिअलसिनतिकुम व तक़ूलून बिअफ़वाहिकुम मा लैस लकुम बिही इल्म व तहसबूनहु हय्यनन व हुवा इंदल्लाहि अज़ीम। हाँ, जब तुम उसे एक दूसरे से अपनी ज़बानों के साथ ले रहे थे, यानी अपनी ज़बान से ये उसको बयान कर रहा है, वो उसको बयान कर रहा है, इस तलक कौन हो बे अलसिनतिकुम व तक़ूलून बिअफ़वाहिकुम। हाँ, तुम अपनी ज़बानों से उसे एक दूसरे को बयान कर रहे थे, हाँ, और अपने मुंह से फेंक रहे उसको, लोगों के सामने पेश कर रहे थे। कैसी चीज़? अपने मुंहों से वो बात कह रहे थे जिसका तुम्हें कुछ इल्म नहीं, तुमको हकीकत पता नहीं है और बयान कर रहे हो, हकीकत पता नहीं है और फॉरवर्ड कर रहे हो। हाँ, और तुम उसे मामूली समझते थे, कुरान की आयत का एकदम ठेठ तर्जुमा बहुत गौर से, और तुम उसे मामूली समझते थे, हल्का समझते थे, थोड़ी बात, हालांकि वो अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी थी, अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी थी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा के ताल्लुक से खबर के बारे में है, और कुरान में एक ख़ास पस मंज़र में नाजिल होता है, तो उसूल ये है कि कुरान के अल्फाज का जो उमूमी माना होता है उसे लिया जाए। तो आम हालात में भी अगर आप किसी मुसलमान की इज्जत से खेल रहे हैं तो हम और आप इसको हल्की बात समझें। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि यह हल्की बात और छोटी बात नहीं है, मामूली बात नहीं है, अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी बात है। और फिर हरम रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा की इज्जत का तो मामला और बहुत ज़्यादा ऊँचा था। हाँ, इसी तरह एक हदीस पेश की तो सोचिए कि ये मामला जिसको हम लोग हल्का समझते हैं अल्लाह के नज़दीक बड़ा है। नुमान रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लम को फरमाते सुना है कि तुम अपनी सफ़ें सीधी रखो वगरना अल्लाह ताला तुम में मुखालफत पैदा कर देगा। इस हदीस में देखिए अल्लाह के रसूल मुसल्ले पे खड़े होते तो सफ़ें सीधी करो। अब हमारे यहाँ देखिए कि सफ़ का सीधा करना लोग इसको छोटी बात समझते हैं, अरे क्या रखा है इसमें, और हिंदुस्तान में इस मामले में अजीब व गरीब मामला है। हमारे यहाँ जो मुकल्लिदीन का ग्रोह है, जैसे ख़ास तौर से हमारे वो भाई जो हनफ़ी कहलाते हैं,
उनके यहाँ एक मिजाज है कि वो ऐसा समझते हैं सफ़ लगाने में, बहुत सारी जगहों पे, यहाँ हैदराबाद में क्या है मैं उमूमी तौर से नहीं जानता, लेकिन मैंने जो उमूमन देखा है वो ऐसा समझते हैं कि पैर से पैर मिलाना, कंधे से कंधा मिलाना, ये हदीसों में है या अहले हदीस मसलक वाले अमल करते हैं। हरम में भी बोला जाता है सीधे हो जाओ, मिल के खड़े हो जाओ, दरमियान में जगह ना रखो, तो समझते हैं कि वो हनफी मसलक के ख़िलाफ़ है। हमने देखा कुछ लोगों को पैर मिलाओ तो फ़ौरन झटक के हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इसलिए जो जाते हैं कि वो ऐसा समझते हैं कि ये अहले हदीस मसलक है। कुरान हदीस से तो है ही, और अहले हदीस का वही मसलक है जो हदीसों में है अल्हम्दुलिल्लाह, और होना भी चाहिए। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि हनफी मसलक भी वही है इस सिलसिले में जो अहले हदीस है। शाफई मसलक, हम्बली मसलक, मालिकी मसलक, मेरे इल्म में मैं जो, अगर किसी को मालूम हो कि वहाँ इख्तलाफ है तो मुझे बता दे। मैं जो जानता हूँ ये जानता हूँ कि सफ़ बनाया जाए तो कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाया जाए। अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा कि फरिश्ते वैसे ही सफ़ लगाते हैं जैसे इंसान, मिल के खड़े हो जाइए। और अल्लाह के रसूल जमात खड़ी होती थी तो कहते थे वैसे थे इमाम जो मिल के खड़े हों, दरमियान में खाली जगह रहने से ये हदीस कह रही है। अल्लाह के रसूल वसल्लम कहते थे कि तुम अपनी सफ़ें सीधी रखो, वरना क्या होगा, अल्लाह तुम्हारे दिल तुम्हारे अंदर मुखालफत पैदा कर देगा, इख्तलाफ पैदा कर देगा। सफ़ में अलग अलग खड़े होने से दिलों में इख्तलाफ होता है। आप सोचिए कि आप इसको या हम इसको हल्की बात समझें कि कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन इसका जो नतीजा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूल वसल्लम बयान कर रहे हैं वो क्या है? इख्तलाफ। क्या वो छोटी बात है? जिसको हम छोटा समझ रहे हैं उसका नतीजा कितना बड़ा है। एक और हदीस में है अल्लाह के रसूल, में सिर्फ तर्जुमा पढ़ रहा हूँ वक्त बचाने के लिए, कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद ने तुमसे किसी चीज़ पर इतना हसद नहीं किया जितना सलाम करने और आमीन कहने पर हसद किया। यहूदियों को हमारा आपस में एक दूसरे से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहना बहुत नापसंद है, और यहूदियों को मुसलमान गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन या दुआ पर जो आमीन कहते हैं ये नापसंद है। ये यहूदियों की सरिश्ते है, और अफसोस की बात यह है कि बहुत से मुसलमानों को भी अब आमीन पसंद नहीं है। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और एक दूसरी रिवायत के अंदर ये वारिद है कि हज़रत बिन कैस कहते हैं कि हमें हमारे इमाम ने, जिनकी कुनियत अबू रमसा है, नमाज पढ़ाई। ये एक लंबी रिवायत है, मुख्तसरन में मैं कह दूँ कि नमाज पढ़ाने के बाद बैठे थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक भी अल्लाह के रसूल के करीब सफ़ में मौजूद थे। एक शख्स नमाज ख़त्म होते ही उठ के खड़ा होकर नमाज़ पढ़ने लगा। हल्के उमर उठे और उसको समझाने लगे कि रुक जाओ, तुमसे पहले हमारे से पहले के लोग इसीलिए हलाक हुए कि वो इबादतों के दरमियान गैप फसल नहीं करते थे, दुआ अजकार या इस तरह पढ़ गए कि एक के बाद एक लगे कि अभी यही नमाज़ कंटिन्यू चल रही है। ये मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और देखा कि इब्ने खत्ताब, उनके बारे में कहा है इब्ने खत्ताब, इस सिलसिले में खत्ताब के बेटे, अल्लाह ने तुम्हें ठीक और दुरुस्त बात कहने की तौफीक दी। अल्लाह के रसूल सल्लम ने उसकी तायीद की, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। देखें किस तरह सुन्नत, इन सुन्नतों के तर्क कर देने से आपसी इख्तलाफ हलाकतों तबाही का बाइस हो सकता है अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक। और ये कि कैसे इनकी वजह से यहूद हमसे हसद करते थे, हज़रत उमर के कॉल में कि इस छोटी सी बात, बज़ाहिर छोटी सी बात नज़र आ रही है कि दो नमाज़ों में, दो इबादतों में गैप ना किया जाए, लेकिन हज़रत उमर ये कह रहे हैं कि इस काम की वजह से पिछले लोग हलाक हुए। और अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुमको अल्लाह ने सही बात कहने की तौफीक दी। बज़ाहिर बात छोटी है लेकिन नतीजा उसका इंतहाई बड़ा है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रवायत नकल की, ये भी याद रखने वाली बात है, किसी गैर मुस्लिम ने उनसे इतरासन कहा, ये आखिर का हिस्से उन्होंने नकल किया कि अरे मजाक उड़ाते हुए, अरे तुम्हारा नबी ऐसा है जो तुमको पेशाब पखाने की भी तालीम देता है? हाँ, आज के टीवी डिबेट में अगर कोई इस तरह का सवाल किसी मुसलमान से करता है तो हमारे यहाँ लोग दिफाई पोजीशन में आ जाते हैं, दब जाते हैं। अरे हाँ है ऐसा, नहीं ऐसा नहीं है। हज़रत सलमान फ़ारसी दबे नहीं, ईमान वाले थे, और ये यकीन दिल से उठना चाहिए और था अहले ईमान को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बता रहे हैं वही सबसे बेहतरीन है। चुनांचे हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा कि तो ये किसी ने नकल किया पूरा कि तुम्हारे नबी तुमको हर बात सिखाई, यहाँ तक के पायखाना और पेशाब को भी। तो उन्होंने कहा हाँ, फ़ख्र से कहा हाँ, हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि किबले की तरफ मुँह करने से, मुँह करके पेशाब करने से, यानी हम पेशाब पाखाना करें तो किबला रुख ना हो, हाँ, और पाखाने के लिए या पेशाब और पाखाने के लिए, या हम दाहिने हाथ से इस्तिंजा करें, इससे भी मना किया हमारे पैगंबर ने।
हाँ, या तीन पत्थरों से इस्तिंजा करें। अगर तहारत के लिए पानी नहीं है और इस्तिंजा ढेला ले रहे हैं तो इस्तिंजा ढेला वगैरह ले रहे हैं तो उसके लिए कम से कम तीन को इस्तेमाल करें, ये हमारे पैगंबर ने हमको बताया। और गोबर और हड्डी से इस्तिंजा ना करें, गोबर लीद और हड्डी इनको इस्तेमाल ना करें। बाद रिवायतों में कोयले का लफ्ज भी, ये भी हमको बताया हमारे नबी ने, हमको ये भी बताया। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, फख्र की बात है। अरे आपका दीन कैसा है जिसमें इसकी तालीम नहीं है, ये सवाल उठता है। हाँ, शेख सालेह अल फौजान ने कहा कि इस कायदे से ये वाजे होता है कि तौहीद से आगाज, यहाँ गौर से सुनिए, ये खुलासा है कि तौहीद से दावत के आगाज करने और तौहीद को बुनियाद बन मानने का हरगिज़ ये मतलब नहीं, जो मैंने शुरू में कहा, हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि दूसरे उमूर में शरीयत के अहकाम में तसाहुल बढ़ता जाए, खा उसका ताल्लुक वाजिबात की बजाय आवरी से हो या मुहर्रमात के तर्क करने से, हराम को छोड़ने से। बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि मासी का तर्क करना आसान है। हाँ, इसलिए मासी और शरई मुखालफात में बिल्कुल तसाहुल से काम ना लिया जाए। यानी अगर आप सोचें कि मैं तौहीद पर हूँ, अब थोड़ा मोड़ा गुनाह भी कर लूँ, सूदी लेन देन कर लूँ, माँ बाप की नाफरमानी करूँ, नहीं चलेगा वो। आप जब जब, यहाँ इसको मैं एक जुमला और बयान करूँ कि जब जब कोई मुसलमान किसी गुनाह का इर्तिकाब करेगा या करता है तो तब तब वो अपने अमल से इस बात का सबूत दे रहा है कि उसकी तौहीद में कमी है। अगर एक आदमी अपने माँ बाप से बदसलूकी, बदतमीज़ी कर रहा है, उनका हक अदा नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी तौहीद में कमी है। अगर तौहीद कामिल होती ना, मजबूत होती ना, तो अल्लाह का डर उसे माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करने से रोकता। नहीं रोक रहा है, इसका मतलब उसका अल्लाह का डर कमज़ोर पड़ गया है, इसी वजह से वो ये जुरत कर पा रहा है। तो तौहीद की कमी है इसलिए माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है, तौहीद की कमी है इसलिए हराम खा रहा है, ज़िना कर रहा है। हाँ, अल्लाह के रसूल के फरमान है, ला यज़नी ज़ानी हीना यज़नी वहुवा मुमिन वला यसरिकु सारिकु हीना यसरिकु वहुवा मुमिन। ज़ानी जब ज़िना करता है तो उस वक्त मोमिन नहीं रहता, ईमान की हालत नहीं रहती। चोर चोरी करता है, चोरी की हालत में मोमिन नहीं रहता। लुटेरा लूट मारता मार करता है तो लूट के वक्त, लूट पाट के वक्त जो है वो मोमिन नहीं रहता। यानी हालत गुनाह जो है वो हालत ईमान नहीं, ईमान अगर होता तो वो गुनाह करता ही नहीं। तो उस वक्त उसकी कैफियत काफिरों जैसी हो जाती है जब बंदा गुनाह करता है, तौहीद की कमी वाली हो जाती है। चुनांचे कह रहे हैं कि हर तरह की मुखालफत का मामला संगीन है, गरचे वो लोगों की निगाह में मामूली ही क्यों ना हो। अहम और बुनियादी उमूर ही, बुनियादी उमूर से आगाज़ करने का मतलब साफ साफ यही है कि पहले दीन की बुनियाद को दुरुस्त किया जाए ताकि दूसरी चीज़ों को उन पर कायम किया जा सके, जो हमने पिछले कायदों में पढ़ा कि तौहीद हो, पहले उसकी तालीम दी जाए। वरना हर तरह का गुनाह और शर संगीन है, किसी भी संगीन मसले में और शरई मुखालफात में तसाहुल से काम नहीं लिया जाएगा बल्कि सबसे रोका जाएगा। लेकिन जिसके पास संगीन गुनाह होगा उसे पहले उसी से रोका जाएगा। जैसे नेकियों का मामला है ऐसे बुराइयों का मामला, एक आदमी के अंदर कई गुनाह है, हाँ, बहुत बड़े बड़े गुनाह भी कर रहा है, कुछ छोटे गुनाह भी कर रहा है, हाँ, उल्टे हाथ से खाना खा रहा है, ये एक गुनाह है, माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है, ये एक गुनाह है, शराब नोशी कर रहा है, ये एक गुनाह है, तो देखा जाएगा कि इसमें से ज़्यादा असर डालने वाला इस पर कौन सा बड़ा गुनाह है, पहले उससे मना किया जाए, फिर उससे कम दर्जा, फिर उससे कम दर्जा। तो जैसे नेकियों में पहले बड़ी नेकी का हुक्म, फिर उसके बाद अहम तर अहम, ऐसे ही बुराइयों का सिलसिला भी इख्तियार किया जाएगा। हाँ, इसी से कहा है, फिर वो बकिया उमूर में इस्लाह कर लेगा। लेकिन अगर इंसान मासियत में तसाहुल से काम लेगा या उसे हल्का समझेगा तो यही चीज़ उसे बड़ा गुनाह करने के लिए आमादा करेगी। ये एक और नुकसान है, छोटे गुनाह को छोटा समझ के जब करते हैं लोग तो ये छोटा गुनाह उसको बड़े गुनाह की तरफ ले जाता है, बिदत इंसान को शिर्क की तरफ ले जाती है। लेकिन जब उसे बड़ा और संगीन समझेगा तो फिर उससे दूर रहेगा। इरशाद बारी तआला है, ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शाइर हुरुमातिल्लाह, ये थोड़ी दूसरी आयत है, ये ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाह फहुवा खैरुन लहू इंदा रब्बी, ये और जो कोई अल्लाह की हुरमतों की तज़ीम करेगा कि अल्लाह ने मना किया है तो इससे बचना चाहिए, जो अल्लाह की हुरमतों की तज़ीम करे तो वो उसके लिए उसके रब के यहाँ बेहतर है, उसके रब के यहाँ बेहतर है। छोटे गुनाहों पर इसरार आदमी के दिल को धीरे 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 सियाह कर देता है और आदमी गुनाहों पर जरी होता चला जाता है। कभी भी किसी गुनाह को छोटा नहीं समझना चाहिए। यही वजह आप सहाबा कराम में देखिए, अगर उनसे कभी कोई गलती हो गई, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने एक मरतबा कसम खा ली थी कि अपने भांजे से बात नहीं करेंगे, अब्दुल्ला बिन जुबैर से, हाँ, कसम खा ली।
अब हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने सहाबा को लगा के माफ़ी तलाफ़ी की, काफ़ी दिनों बाद माफ़ किया, वो कुछ तसरुफात के सिलसिले में बात थी, वाक़ लंबा है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने बिलाखिर माफ़ कर दिया, बात शुरू कर दी। अब कसम तोड़ दी थी तो उस कसम का कफ़ारा क्या है? कुरान में बताया या तो एक गुलाम आज़ाद करो, या 10 मिस्कीनों को खाना खिलाओ या कपड़ा पहनाओ, या 3 रोज़ा रखो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु एक तीनों में से कोई एक ऑप्शन पे भी कर लिया हो जाता। हज़रत आयशा ने एक एक करके तकरीबन 40 गुलाम आज़ाद कर दिए, बहुत से मिस्कीनों को खाना खिलाया, बहुत सारे रोज़े रख डाले। उसके बाद भी उनको एहसास रहता कहीं अल्लाह पकड़ ना दे। ये है तहज़ीब। अल्लाह तबारक व तआला कि जनाब में हमसे गलती हो गई तो अल्लाह किसी भी तरह माफ़ कर दे, ये एहसास बंदे को होना चाहिए। चुनांचे एक दूसरी आयत है, ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़्वल क़ुलूब। ये दिल का तकवा है कि आप तज़ीम करें अल्लाह के अहकामात की। पता चला कि तमाम तरह की मासी संगीन है, सब में नुकसान है, लेकिन उस पर नकीर करते वक्त उसी से शुरू किया जाएगा जो ज़्यादा संगीन गुनाह होगा, और यही मकसूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस भी चीज़ को तर्क किया है तो उससे ज़रूर आगाह किया है, ख्वाह वो कबीरा गुनाह हो या सगीरा। और जिस तरह के उसूलों का हुक्म दिया बड़े गुनाहों का, बड़ी चीज़ों का, उसी तरह फुरुआत का भी हुक्म दिया। और जिस तरह वाजिबात व अरकान का हुक्म दिया, उसी तरह सुनन व मुस्तहबात का भी हुक्म दिया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक दीन मुकम्मल हो गया। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम वाजिबात व मुस्तहबात का हुक्म दे दिया है, पूरे दीन और शरीयत के अहकाम बयान कर दिए हैं। इसी तरह हर किस्म की मासियत से, गुनाह से भी आपने मना कर दिया है, ख्वाह वो कबीरा हो सगीरा हो, जो भी चीज़ बंदों को अल्लाह से करीब करने वाली है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दिया और अपनी उम्मत की उसकी तरफ रहनुमाई कर दी और हर शर से आगाह कर दिया। ये आखिरी एक दो पैराग्राफ है, हाँ बहुत गौर से सुनिए। मुसन्निफ़ कहते हैं कि अल्लाह आपका भला करें, बाज़ लोग सुनन को जुज़ियात या छिलका कहते हैं। ये एक और अहम बात आ गई, बहुत इख्तिसार के साथ कहूँगा। सूफियों के यहाँ एक जुमला है, वो कहते हैं कि हमारे पास मग़्ज़ है और आप लोगों के पास जो काल अल्लाह काल रसूल कहते हैं, अंबिया के पास छिलका है। हाँ, केला छिलका निकाल लिया, आप गूदा खाते हैं, छिलका फेंक देते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि काल अल्लाह काल रसूल वाली जो तालीम है, अंबिया की जो तालीम है ना, ये किताबों में दर्ज है, कोई मैं इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ तक कि वो जो क्या मौलाना रोम कहलाते हैं, रोम की मसनवी बहुत मशहूर है, उनका भी ये जुमला है सूफी थे कि हमारे पास मग़्ज़ है, गूदा है, और अंबिया के पास छिलका है। हाँ, कितना संगीन गुनाह है ये। मग़्ज़ है, ये लोगों को, आवाम को धोखा दे रहे हैं कि हमारे पास आ जाओगे तो वो कुरान हदीस को छोड़ो और पीर साहब सिलसिला जो बताता है वो मानो। हाँ, शेख सालेह अल फौज़ान ने इस पर तबसरा किया। हाँ, कहते हैं कि जी हाँ, जो लोग अवामिर व नवाही और दीन के अहकाम को जुज़ियात या छिलका कहते हैं, हमारे यहाँ जो अकलानियन हैं, कॉलेज और यूरोप अमेरिका के माहौल के परवरदा हैं, हाँ, जो उनसे मरूब होते हैं तो इस्लाम में कीड़ा ढूंढते हैं, खुद अकल नहीं होती और उलमा को कहते हैं कि इनको समझ नहीं है, फेकुल वाके नहीं है। ऐसे जितने लोग उलमा को फेकुल वाके से महरूम कहते हैं, उनके यहाँ खुद अकल शोर की कमी है। मैं कोई हवाई बात नहीं कह रहा हूँ, बार बार साबित होता है, उनको खुद नहीं मालूम होता, किसी भी हदीस और आयत पर एतराज़ करते हैं। यूरोप और अमरीका से कोई एतराज़ चल के आता है, ये फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उलमा जवाब देते तो इनकी समझ में नहीं आता, मुहद्दिसीन का जवाब समझ में नहीं आता, जबकि उनके छिलके हैं। तो इनके हमारे यहाँ लोग कहते हैं, अरे वो फुरू है ना, हमने जो पूरे मसले की बहस की उसूल में, ये सब अहले सुन्नत के उसूल हैं कि हम पूरे दीन को अहम मानते हैं। अब हमारे यहाँ कुछ लोग बोलते हैं, अरे दाढ़ी में क्या रखा है, उसी के पीछे पड़े रहते हो, औरतों का बुरका क्यों करते हो, आज़ादी दो भाई। आज वो पुराने ज़माने की बात थी, हाँ उस ज़माने में चल गया, आवाज का दौर इस बात का तकाजा करता है, मतलब आज के दौर में आपको हया और गैरत नहीं चाहिए। पहले चोर को चोर बोला जाता था, सजा दी जाती थी, आज चोर को अवार्ड दीजिए, नया दौर है। तो फैशन, कपड़ा और रात की रोशनी वगैरह बदल सकती है। हाँ, पहले अल्लाह के रसूल के ज़माने में बड़े बड़े कारखाने धुएं फेंकती हुई चिमनियाँ चाहे नहीं रही हों, ट्रेनें और एयरपोर्ट और हवाई अड्डे ना रहे हों, लेकिन इंसान इंसान ही थे जो आज भी हैं, रिश्ते ही थे जो उस वक्त आज भी हैं, इज्जत वही थी जो पहले थी आज भी है, अखलाकी अकदार जो पहले थी वो आज भी है। कुछ लोग बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन फितरत तब्दील नहीं होती। हाँ, आप सरेआम मियाँ बीवी के ताल्लुकात पेश कर रहे हो यूरोप में या कनाडा में,
लेकिन फितरत कबूल नहीं करती। बेटा बेटा है, बेटा देखता है माँ को जब उल्टी सीधी हरकत करते दूसरों की बाहों में, बर्दाश्त नहीं करता वो, चाहे वहाँ के कानून के तहत बोल ना पाए, उसके नतीजे में आवारगी के रास्ते पे जाता है, नशा इस्तेमाल करता है, बागी बनता है, समाज के कवानीन को रौंदता है, वो बोल नहीं पाता लेकिन उसकी फितरत उसे चलने भी नहीं देती। तो अखलाकियात और फितरतें तब्दील नहीं होती, जो गुनाह है गुनाह ही है। मैंने कहा कि अगर 100 साल पहले चोर को चोर कहा जाता था तो आज चोर को जो है फन्नान आपके कहने से आर्टिस्ट नहीं बोला जाएगा, जैसा कि आप बोलना चाहते हैं, चोर चोर ही माना जाएगा, वो चाहे जिस शक्ल में हो। तो कहा कि हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि फुरुआत है, अरे बुरके में क्या है, इसमें क्या है, सीधे हाथ खान से खाना उल्टे हाथ से खाना, हाँ ये छोटी बात है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि सीधे हाथ से खाना नहीं ताकत रखा, मुझे अल्लाह कभी ताकत ना दे। उसने जो बात नहीं मानी थी बज़ाहिर छोटी है, लेकिन माना किसकी नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं माना। शैतान ने इबलीस ने सजदा नहीं किया आदम को, बोलने में यह है कि मैंने तो आदम को सजदा नहीं किया। सूफी लोग बोलते अरे बहुत बड़े तौहीद थी, इबलीस हमसे ज़्यादा तौहीद में पक्का था, क्यों, उसने बोला कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा ही नहीं करूँगा। हाँ देखिए कैसे कहाँ से घुमाते पब्लिक, आम आदमी बोलेगा वाह क्या बात है, इबलीस ये कह रहा है बाबा इबलीस, अरे मैं तो अल्लाह को ही सजदा करता हूँ, आदम को क्यों करूँ। अगर वो आदम को सजदा करता तो अल्लाह को ही करता, ये उसे समझ में नहीं आया, बेवकूफ़ आदमी था, बहुत चालाक है लेकिन बेवकूफ़ी की। ऐसे ही हमारे यहाँ के कुछ दानिश्वर हैं, जब नबी की किसी बात को वो गैर अहम समझते हैं तो वो ये कहते हैं कि वो बेवकूफ़ हैं, वो कितनी बड़ी बड़ी डिग्री रखते हो, हाँ कितनी मरतबा टीवी चैनल पे आते हो, कितने करोड़ लोग उसको लाइक करते हो, इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई चीज़ बताई है ना, अगर आपने कहा है कि यहाँ ये बटन बंद होना चाहिए, ये नाखून काट देना चाहिए, हाँ ये फला जो है कपड़ा ऐसा होना चाहिए, तो एक मुसलमान के नज़दीक पूरी दुनिया में कितना बड़ा कोई दानिश्वर फलसफी साइंटिस्ट और फला हो, उसके मुकाबले में अल्लाह के रसूल सल्लम की ये बात ज़्यादा अहम है। लोग कुछ भी कहे, नबी की सुन्नत सबसे आला, ये हमारा अकीदा होना चाहिए। और अगर आपने नबी की यही मतलब है, रजी तो बिल्लाह रब्बा नबी इस्लाम दीन, मैं अल्लाह के रब होने पर राजी हुआ तो जो कानून उसने दिया उसको मैं पसंद करता हूँ, रसूल के नबी पर होने पर राजी हुआ मतलब जैसे आपने इबादत अकीदा अमल सुन्नत जो चीज़ बताई मैं उसी को पसंद करता हूँ। अब नबी की किसी चीज़ के मुकाबले में आप किसी और की बात को पसंद कर रहे हैं तो मतलब आप नबी की बात को पसंद नहीं कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, हम ऐसे कह सकते हैं सुन्नत का करना। एक चीज़ ये मसला भी समझ लीजिए, हमारे यहाँ लोग पूछते हैं अरे रफादान रफादान की बात करते हो, क्या नहीं करेंगे तो नमाज नहीं होगी। तो मैं इसके जवाब के मैं सबको पूछता हूँ कि और क्या क्या ऐसी चीज़ है जिसके बगैर नमाज हो जाएगी, लिस्ट बना दीजिए ताकि लोगों को और आसानी हो जाए। आप इस तरह सोचते हैं कि फला सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे तब भी नमाज हो जाएगी, ये कौन सा सोचने का तरीका है। एक मुसलमान तो ऐसे सोचता है कि अगर रसूल की सुन्नत है तो हमें करना है। आप इस तरह सोच रहे हो कि इस सुन्नत को छोड़ देंगे तो कमल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्यों आप सोचते हैं कि ये सुन्नत छोड़ें, इसलिए सोचते हैं कि आपका मसलक ये कह रहा है, आपके इमाम ये कह रहे हैं, तो मतलब ये हुआ कि आप सुन्नत इसलिए छोड़ना चाहते हैं कि इमाम का तरीका ये है। तो आपने तरजीह किसे दी, इमाम को या रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिंपल। लेकिन वो मानेगा नहीं, लेकिन यही हो रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कुछ दिया है तो हमारा मिजाज ये होना चाहिए, वही शेख कह रहे हैं कि वो फुरुआत या छिलका बोल के हम उसकी तहकीर नहीं करेंगे, मजाक नहीं उड़ाएंगे। कोई आदमी आमीन का मजाक उड़ाता है, यहाँ मैं बात अधूरी थी फिर से जो आगे आ रही है, अगर सुन्नत है आपका अमल नहीं हो रहा है लेकिन आप उसे सुन्नत और अच्छा मानते हैं तो कोई बात नहीं, आप अच्छा मानते हैं ना, कमी है आपकी। लेकिन अगर आप सुन्नत का मजाक उड़ा रहे हैं, नोट कीजिए, सुन्नत का मजाक उड़ाया आपने, वो कितनी भी छोटी सुन्नत आपको लगती हो, इसमें नीचे में दिया है मिसवाक करना मिसाल के तौर पे, आपने उसका मजाक उड़ाया, दाढ़ी का मजाक उड़ाया, ये तो फ़र्ज है, आपने दूसरे निकाह का मजाक उड़ाया, शरीयत ने इजाज़त दी है, आप उसका रद्द करते हैं, नफरत करते हैं, कोई भी हुक्म जो अल्लाह और रसूल से साबित है आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं या उसको हकीर समझा आपने, तो आप काफिर हो जाएंगे। कुरान कहता है, हदीस कहती है, सारे उलमा का इत्तेफाक है, इसमें हनफी उलमा का भी, कि सुन्नत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक उड़ाया बेइज्जती की तो कुफ्र हो जाएगा। कह रहे हैं बिला शुबा जो जुज़ियात कहते हैं सुन्नतों को के जुज़ियात और छिलके हैं वो अहकामात दीन की शान को घटा रहे हैं, और जो छिलका कहते हैं वो बहुत संगीन मामला है, बल्कि उसके शेख सालेह बिन फौजान के जुमले हैं
ये जुमला नोट कीजिए, ये तर्जुमा हमारे दोस्त डॉक्टर अजमल साहब का है, वो कहते हैं बल्कि उसके मुर्तद होने का खौफ है, यानी ऐसा आदमी मुर्तद हो जाएगा जो कुरान हदीस की बातों को छिलका कहे और वो जुजियात कहे, गैर अहम कहे, इसलिए कि ये दीन का इस्तेहजा है, मजाक है, क्योंकि दीन में कोई छिलका नहीं है, पूरा दीन खालिस मग़्ज़ है, टोटल कुल का कुल नफा बख्श है, दीन की हर बात मुफीद है, कोई बेकार बात नहीं है। कहा उसे जहालत की बुनियाद पर भी माजूर भी समझा जा सकता है, यानी ऐसा कहने वाला आदमी हो सकता है कि जाहिल है इसलिए माजूर हो, लेकिन कोई कैसे दाई बन जाएगा और वो उससे नाबलद होगा। आज हमारे यहाँ लोग टीवी चैनल पे आ रहे हैं, दावत देते हैं, दीन के कायम करने की बात करते हैं, दावत दे रहे हैं कि इस्लाम कायम करना है और सुन्नतों की बेइज्जती करते हैं, दाढ़ी में क्या रखा है, अरे कोई बात नहीं, कॉलेज में, और तो यूसुफ अल करदावी साहब ने फतवा दिया कॉलेज में लड़का लड़के मिल के तालीम हासिल कर सकते हैं, मखलूत तालीम में कोई बात नहीं है, पर्दे की कोई इतनी शिद्दत की बात ही नहीं है, और ऐसी बहुत से फतवे हाँ। लेकिन अगर उसे जहालत की बुनियाद पर माजूर ना समझा जाए कि वो जाहिल नहीं है, तो फिर उस पर मुर्तद होने का हुक्म लगाया जाएगा, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लम की लाई हुई शरीयत की किसी भी चीज़ का इस्तेहजा करना, ख्वाह वो कोई सुन्नत या मुस्तहब ही क्यों ना हो, इर्तिदाद है। ये आखिरी बात कही है शेख ने, अल्लाह ताला का इरशाद है, कुरान में सूरह तौबा की आयत है, वलइन सअलतहुम वलइन सअलतहुम लयकूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नखूज़ु वनलअब قل اب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين। ये गज़वा तबूक ही से लौटते हुए कुछ मुनाफिकीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के बारे में कहा कि हमने इनसे ज़्यादा मुकाबले में बुजदिल किसी को नहीं देखा और खाने में पेटू नहीं देखा, यानी पेट खाने के हरीस। ये सुनना था कि वहाँ एक सच्चे सहाबी मुसलमान मौजूद थे, वो गुस्सा हो गए और कहा कि तू मुनाफिक है, मैं तेरी ये बात अल्लाह के रसूल के पास पहुँचाऊँगा। वो कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम मजाक कर रहे थे। तब तक ये जब आगे बढ़े और अल्लाह के रसूल सल्लम के पास पहुँचे तो देखा कि आप सवारी पे बैठे हुए हैं और आप पर कुरान उतर चुका है, और आप एक मुनाफिक जो बोला था जिसने, उसने जाके पकड़ा और अल्लाह के रसूल सल्लम की सवारी की लगाम पकड़ के कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, ये जो जुमला नकल किया कुरान ने, इन्ना कुन्ना नखूज़ु वनलअब, के अल्लाह के रसूल बिलाशुबा हम लोग जो है बस हम तो सिर्फ शुगल की बात कर रहे थे, जैसे टाइम पास, सफ़र का कटना, नखूज़ु वनलअब, बस यूं ही हंसी मजाक ठट्ठा कर रहे थे, मजाक से ये बातें कह रहा था मैं। जब आप उनसे पूछेंगे, कुरान ने कहा कि जब आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हम तो बस शुगल की बात कर रहे थे और दिल लगी कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तो आप उनसे कह दीजिए क्या कहिए, क्या तुम अल्लाह और उसकी आयात और उसके रसूल के साथ मजाक कर रहे हो, उनसे खेल दिल लगी कर रहे हो, बहाने मत बनाओ, बेशक तुमने अपने ईमान के बाद कुफ्र किया। ये कुरान की आयत का तर्जुमा है, ला तअतज़िरु फ़क़द कद कफ़रतुम बादा ईमानिकुम, तुम लोग बहाने मत बनाओ, तुमने ईमान के बाद कुफ्र किया। हाँ, अल्लाह उसके रसूल की, अल्लाह की आयतों और रसूल के साथ तुम मजाक कर रहे हो, तुमने कुफ्र किया। कुरान कह रहा है, कुरान की आयतों का, अल्लाह के रसूल का, रसूल की सुन्नतों का मजाक उड़ाना इस आयत से बिल्कुल साफ वाज़ह है कि ये कुफ्र है। हाँ, बहाने मत बनाओ, बेशक तुमने ईमान के बाद कुफ्र किया, अगर हम तुम में से एक गुरु को माफ़ कर दें तो एक गुरोह को अजाब देंगे, इस वजह से कि यकीनन वो मुजरिम थे। इस बुनियाद पर अगर कोई, शेख ने कहा मिसवाक के की सुन्नियत पर इस्तेहजा करे, अरे मिसवाक सुन्नत है, कोई ऐसा बोले, मजाक उड़ाए, उसको हकीर समझे, तो वो भी मुर्तद हो जाएगा। मिसवाक फी नफ्स से ही सुन्नत है, किए नहीं किए कोई बात नहीं, लेकिन उसको बुरा समझे, उसका मजाक उड़ाए, मुर्तद हो जाएगा। इसी तरह दाढ़ी बढ़ाने का पर जिसका हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, अगर कोई इस्तेहजा करे तो वो भी मुर्तद हो जाएगा, इल्ला ये कि वो उसके हुक्म से जाहिल हो, उसको पता नहीं हो कि अल्लाह के रसूल ने इसका हुक्म दिया हो, तो फिर वो अपनी जहालत की बिना पर माजूर होगा। लेकिन अगर वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है तो फिर अहले इल्म के नज़दीक वो मुर्तद हो जाएगा, इसलिए मामला बहुत ही संगीन है। लिहाजा ये जान लें कि दीन के अंदर गूदा और छिलका जैसी कोई तकसीम नहीं है, पूरा का पूरा दीन खालिस मग़्ज़ है, तमाम अहकाम
में दीन का एहतराम और ताज़ीम वाजिब है, उनमें से किसी भी चीज़ को कमतर या हकीर नहीं कह सकते और ना ही किसी चीज़ का इस्तेहज़ा उड़ा सकते हैं। लिहाजा ये उसूल हमेशा ज़हन में रखिए कि दीन हम जब लेते हैं तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश की हुई सारी बातों की हमारे नज़दीक इज्जत है, अगरचे इनमें दरजात ज़रूर हैं और सबसे पहला मुकाम तौहीद को देते हैं, तौहीद को पहला मकाम देते हैं, दावत की अहम चीज़ों को इख्तियार करते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि दीन के दूसरे अहकाम को नज़रअंदाज करते हैं। अल्लाह ताला हमें दीन में पूरा का पूरा दाखिल होने की तौफीक अदा फरमाए और पूरे दीन को इख्तियार करके दुनिया और आखिरत में कामयाबी से नवाजे। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।